वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो माइनक्राफ्ट के न्यू टच कंट्रोल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कैसे न्यू टच कंट्रोल्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे न्यू टच कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हैं। इन सब को यूज़ करने के लिए आपको अंदर डिस्क्रिप्शन में फाइल की लिंक दी होगी, आप उससे उसको पहले डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसेस मैं आपको बता दूँगा। तो आप पहले देख लीजिए थोड़े बहुत कंट्रोल वर्क कर रहे हैं कि नहीं, आपको दिखाएगा। आप देख सकते हैं सारे कंट्रोल्स वर्क कर रहे हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट वर्जन 1.18.30.1 में। तो ये लिंक दी होगी तो आपको इसको क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है और इस वाला इस न्यू टच कंट्रोल .mc को डाउनलोड कर लेना है। उस डाउनलोड करने के बाद आपको ZHOR ऐप खोलना है, फिर आपको जाना जहाँ पर आप डाउनलोड किया था। मैं डाउनलोड नहीं किया था, इसे डाउन में जा रहा हूँ। आपको डाउन में चले जाना, उसका जो वाली फोल्डर होना जिप खोलना है यहाँ पर। तो मेरा तो ये रहा जिप, इसको आपको फोल्ड करके इसको रिनेम कर लेना है और इसमें से डॉट जिप हटा देना है। डॉट जिप हटाने के बाद फिर से क्लिक करना है और एरो क्लिक कर देना है। आप एरो पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा माइनक्राफ्ट का। मेरे में तो दो ऑप्शन आए, पर आप जैसे माइनक्राफ्ट जाओ तो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो आप माइनक्राफ्ट ओपन होने दीजिए, उसका तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब तक माइनक्राफ्ट ओपन होता है। मेरे तो माइनक्राफ्ट अभी तक ओपन हो रहा है, मेरा इतना भी हाई एंड डिवाइस नहीं था, भी इतना टाइम ले रहा है। आपका अगर हाई एंड डिवाइस होगा तो जल्दी हो जाता होगा। थोड़ा देर इंतजार करने के बाद मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो ही जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है, उसका इम्पोर्ट स्टार्ट हो चुका है। पर मेरे फेल हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले से उसको इम्पोर्ट कर रखा है। पर आपने फेल नहीं होगा, आपने इम्पोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो आपको चले जाना सेटिंग में, उसके बाद आपको चले जाना है ग्लोबल रिसोर्सेज में आना होगा। माई पैक्स में जाने के बाद आपको फोल्ड फाइल इनेबल करने लिए, मैंने इनेबल कर लिया, देख सकते मैंने इनेबल कर लिया। उसके बाद आपको एक बार बैक करना है, वहाँ पर सेटिंग बगल बैक होगा, फिर जाना है सेटिंग में। फिर सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है टच में। टच में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा इनेबल न्यू टच कंट्रोल स्कीम्स, आपको इसको इनेबल कर लेना। उसके बाद आप देख सकते हैं सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं, आ चुके हैं। उसके बाद आपको फिर से बैक करना है। मैं आपको गेम में जाकर दिखा देता हूँ कि वर्क करते हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड में जा रहा हूँ, उसके बाद में गेम ओपन हो जाएगा। देखिए मैं गेम ओपन हो चुका है और देख सकते हैं सारे कंट्रोल्स मेरे आ चुके हैं और वर्क भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और आपके भी ऐसे ही वर्क करेंगे, मेरे तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आपको भी अगर ट्राई करना हो ट्राई कर लीजिएगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको थोड़ा बहुत मैं ब्रिजिंग वगैरह दिखा देता हूँ। देखे तो हम ब्रिजिंग मैंने ब्लॉक लगाया, दूसरा ब्लॉक लगाया, फिर यहाँ से उछला, फिर यहाँ से मैंने थोड़ी ब्रिजिंग स्टार्ट करी और मेरा ब्रिजिंग हो रहा है। देख सकते हैं जब ब्रिजिंग बहुत फाइनिश हो जाती है इसमें। तो अब तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको और अगर तुम ब्रिज वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।